गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी हम माँ बेटी सवेरे उठ चुके हैं, बेटे को भी जल्दी उठना चाहिए, कल को उनको भी पढ़ाई लिखाई है, उनका भी घर संसार होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की भाजी। कढ़ाई में तेल डाल के राई डाल दिया है, यहाँ पर जो डाल दी भिंडी, यहाँ पर मैंने डाल दिया भिंडी और भिंडी को हिलाएंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता थोड़ा सा बारीक बारीक करके, मतलब दरदरा करके ग्राइंड करके रखा है। ये भी इसमें डालूंगी थोड़ा भिंडी फ्राई करने के बाद। भिंडी यहाँ पर बन चुका है, आटा गूंद के रख दिया, दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है। मौसम आज बहुत प्यारा होकर रखा है, बहुत प्यारा मौसम है, लेकिन गर्मी भी है, ऐसा नहीं कि ठंडी पर नहीं है, गर्मी है, बस बारिश हो जाए बस। तो चलिए फटाफट से दूध गर्म होने के बाद रोटियाँ डाल देते हैं, तो पराठे, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में। कैसे करके रखते हैं बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश तो हुआ ही नहीं। सवेरे सवेरे मौसम देख के दिल खुश होगा, मुझे लगा आज तो बारिश होगी, कहाँ यार, कब से तो ऐसे ही मुँह बना के बैठा है आसमान। रात को बारिश हुई थी, अरे हल्का हल्का हुआ था, वो बूंदा बूंदी बस, कहाँ बारिश हुई थी, इसको बारिश थोड़ी बोलते। बारिश किसको बोलते, छम छमा के जब बारिश आती है। गड्ढे जो रहते हैं ना, पूरे पानी से भरा रहता है। कहाँ के गड्ढे? बाहर के रास्ते पे पानी आया, आज तो पानी आया नहीं, देखो ऊपर देखो, इनके टाके भी भरा नहीं। कब्बा एक पानी के जार डाल दो, पानी सारी बोतल खाली है। कब्बा खाना, भिंडी और रोटी, दूध यहाँ पे खाली, दूध रोटी यहाँ पे बैठा है। भैया ब्रेकफास्ट के सारे वाले बर्तन मैंने जो भी है धो लिए हैं, ये जगह थोड़ा भी मैसी है, लेकिन एक घंटे में साफ़ हो जाएगा। तो आज लंच में बनने वाला है आलू, बैंगन और ये है ना झींगा, प्रॉन जिसको बोल सकते हैं, झींगा का ड्राई फिश, इसकी हम एक भाजी बनाएंगे। और ये ना आलू और ये पकौड़े हैं, क्योंकि इब्बू ये खाएगा नहीं, तो इब्बू के लिए थोड़ा सा मतलब कि शोरबा भी नहीं और ड्राई भी नहीं, ऐसा रखूँगी कि वो चावल के साथ खा सके। तो इब्बू के लिए अलग से मैं बनाऊँगी, ये इसका इब्बू के लिए बनेगा और ये हमारे लिए बनेगा। और इब्बू का बका तो भिंडी दिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा सवेरे। और ये हो गया झींगा जिसको मैंने अच्छे से उबाल दिया है, ये कढ़ाई जा चुका है। और यहाँ पे अदरक, लहसुन, कोथमीर वगैरह जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है,
ड्राई फिश को ना गर्म पानी से अच्छे से बॉयल करके ना धोना तो मुझे बहुत गंदा लगता है खाने में, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या क्या मट्टी वट्टी कीड़े वीड़े बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसको साफ अच्छे से करना चाहिए। हालांकि मैंने चुनकी इसमें डाला था, बस फिर इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, एक हाथ से नहीं हो पा रहा। मसाला वसाला सब कुछ मिला दिया है, झींगा अलग से फ्राई कर दिया, उसके बाद प्याज अदरक अदरक बोलो सॉरी प्याज लहसुन हरी मिर्ची कोथमीर लाल मिर्च पाउडर हल्दी नमक ये सबसे अच्छे से इसको भूज रही हूँ। बिना पानी के इसको ढक के दे दूँगी जब तक ये नरम नहीं हो जाता। हो गए मेरे आलू बैंगन और झींगा की सब्ज़ी। यहाँ पे इडली के लिए बिठाई हूँ सालन, इडली का थोड़ा सा पकौड़े का सालन, क्योंकि वो ये नहीं खाएगा तो उसको ये खिला देंगे। हाँ भाई बेटी के नखरे नहीं है, बेटे के नखरे बहुत है, बेटा ये खाएगा और ये हमारा है। बस रात को चिकन विकन जो भी देखा जाए। दूर 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 कैमरा से दूर। ज़्यादा तेरे पुराने खिलौनों से खेलता था ना ज़्यादा बचपन में, तेरे पुराने पुराने खिलौने ये भी तेरे ही था ना, मुझे ज़्यादा तेरे ही पुराने खिलौने। हाँ बेचारा नहीं ये भी खा लो, ये जरा सा ये भी तेरे ही थे ना, ये भी तेरा है। ये वाला तेरा नहीं, नहीं ब्लू वाला तेरा है। गया कुछ ज़्यादा तो तेरा ही है, नहीं वो उसका है दवाखाने अपने डॉक्टर से मेरे को रखते है ना वहाँ से दिया था, ये तेरा है। मेरा खाना वाना बनाना हो चुका है, ये जगह मैंने पूरा साफ कर लिया, देख सकते हो चकाचक। अच्छा आप लोगों को लगता होगा कि ये कागज़ किसके पॉलीथीन, तो ये भैया ऐसा ये तेल के पॉलीथीन है ये सारे, जिसमें मैं तेल लाती हूँ। तो तेल डालने के बाद मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, आटा गूंथती हूँ ना, आप लोग देखते हो कि आटा भी पॉलीथीन में रखते हो तो इसी पॉलीथीन में रखते हो, तो इसके अंदर जो भी बचा कुचा तेल होता है ना वो आटे में लग जाता है। फिर अच्छे से आटे में लगा के फिर अच्छे से आटे को वापस से मलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आज आपके पास है इसका आप कदर नहीं करोगे सो मुझे लगता है ऊपर वाला वो चीज़ छीन लेगा, क्योंकि अल्लाह देके भी आजमाता है लेके भी आजमाता है, आई बिलीव दैट। और इब्बू का हो चुका है नहाना, बेडशीट में चेंज करूँगी, इसको पहले मैं खिला दूँ। और आज अनम को भी शैम्पू करवाना है, इसके भी बाल जो है बहुत हो चुके हैं। बाप रे बाप, उन हेडफोन जगह पर रख करके डायपर। तो चलिए मैं बेटे का खाना निकाल लेती हूँ। खाने में आप लोगों को पता ही होगा ये है मेरे बेटे का सालन जो कि वो खाएगा, पकौड़ा वाला सालन, उसको पकौड़ा वैसे ही पसंद है पकौड़ा वाला सालन, और उसको ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं है, ऐसा हल्का हल्का मतलब कि ज़्यादा शोरबा भी नहीं कम शोरबा भी नहीं। और ये है हमारा आलू बैंगन का, कितनी बार दिखाऊँ। तो चलिए मेरे बेटे का खाना मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। ऐसे कटोरे दो हैं भाई बहन दोनों के। हाँ तो चलिए खाना निकाल लेती हूँ। इब्बू का खाना हो गया है, पुराना ये धोना है, ये लेके घूम रहा है तकिए का कवर, और बेड बेड मैंने लगा लिया है। ये बेडशीट का कवर मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर इसका डिज़ाइन ये पिछले साल की ईद की है, मैं हर साल एक बेडशीट लेती हूँ क्योंकि मैं भाई बहुत गरीब हूँ और ईद में मैं खुद पहनूँ या ना पहनूँ लेकिन मेरे बच्चे
ये बहुत गंदा करते हैं यार, ये बहुत गंदा करते हैं। आज मैं छत पे गई थी, देखे इतना गंदा करके रखा हुआ है, ऊपर से पूरा गंदा है। इनको अक्ल भी नहीं आती, क्या बोलूँ। हाँ छोड़ो, अपना घर थोड़ी है। तो चलिए मैं बाकी के काम समेट ली, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, ये मेरा बिस्तर है जो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये बिस्तर में फैलाए हुए रखना पसंद है, एक साइड में एक कोने में है। मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी अजान हो रही है, नमाज पढ़ने जाऊँगी मैं। ऐसे नहीं करते बेटा। तो चलिए मैं पहले नमाज पढ़ लेती हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चे मेरे सो गए हैं, खाना वाना मैंने खा लिया है, और मौसम जो है क्या बताऊँ, अभी ऐसा हो रहा है धूप वाली, कभी छाव वाली, बादल, मतलब कभी बादल वो हो रहा, अब पता नहीं क्या हो रहा, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। अब पता नहीं बारिश कब होगी, क्योंकि बारिश के लिए तो हम जो है ना, हम तरस गए, लिटरली बारिश के लिए हम तरस गए हैं। महाराष्ट्र में बारिश होना बोले तो बहुत बड़ी बात है। मेरे मायके में तो बारिश इतनी नहीं होती कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती, और मेरे ससुराल में बारिश, मतलब बारिश के लिए तरस जाते हैं। तो एक जगह पे मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा होती है, और एक जगह पे जितनी ज़रूरत होती है उतनी भी नहीं होती है। अब देखते हैं क्या होता है। और आज मैं थक भी गई हूँ ज़्यादा, पता नहीं क्यों, आज ना मैं बहुत थकी थकी सूँ। हालांकि मैं, हाँ आज मैं सवेरे भी उठी थी, नींद एक्चुअली नींद मेरा आज ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि आज पानी आने वाला था, आज नहीं आया, शायद कल आएगा। भाई से पूछूंगी, बाजी के उनके आंटी और अंकल फ़ोन करते तो पता चल जाता है ना, तो बाजी से पूछूंगी कल आएगा कि नहीं आएगा। और आज पानी आने वाला था तो मैं कई बार उठ के देखी कि मोटर की आवाज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर तो टाँकी में चढ़ जाएगा, लेकिन पीने वीने का पानी जो होता है, जैसे कापों में देखा, मैं पीने का पानी भरती हूँ, और थोड़ा कूलर में भी, कूलर पूरा फुल टाँकी करके रखती हूँ, और थोड़ा बहुत जो है घर में भी थोड़ा स्टोक करके रखती हूँ, इन केस अगर ऊपर से ख़त्म भी हो गया तो इधर हाथ वाथ धोने के लिए तो लगेगा। बट दो तीन बार मैंने अलार्म लगा के रखती हूँ, एक्चुअली तीन बार अलार्म लगाती हूँ, पाँच पाँच का, पाँच दस या पंद्रह का, साढ़े पाँच का, ऐसे अलार्म लगा के रखती हूँ। लेकिन दो तीन बार उठी मैंने, लेकिन बाजी का लाइट ऑन हुआ, क्योंकि पानी आता तो बाजी उठती सबसे पहले है ना, तो उससे लाइट वाइट भी ऑन होता, मोटर की आवाज़ आती चारों तरफ से, पूरे एरिया जाग जाता, बट नहीं हुआ। उसके बाद जो सोई ना मैं, कच्ची पक्की नींद में सोई, क्योंकि वापस मुझे उठना भी था, क्योंकि आजकल कपड़े जल्दी चले जाते हैं और जल्दी आ भी जाते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि और एक वीडियो बना के डाल दूँ, कभी कभी वीडियो चलता भी नहीं है, तो सोचती हूँ दूसरा वीडियो बना के डाल दूँ, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो 9 बजे वहाँ से निकलते हैं तो 9:15 तक तो घर आ ही जाते हैं, और तब तक फिर चाय वगैरह पी के फिर खाना वाना बनाना रहता है। कल खैर बिलहाल मैं मंडी में भी गई थी, तो इन सब चक्करों में टाइम ही नहीं मिलता है। अभी आजकल तो ऐसा हो रहा है, एक दोनों एक साथ बनाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। शाम को तो टाइम मिलता नहीं, फिर वो आते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर अभी टाइमिंग तो वैसे ठीक ही है, 11 से 9 बजे तक बुरा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत हो जाता है अपनी चार्ज मतलब वीडियोस के लिए। और फिर वो आते हैं, फिर खाना वाना खाते, थोड़ी हम इधर उधर की बातें करते हैं। अब भाई मियाँ बीवी है तो थोड़ी बहुत बातें तो होगी, घर की जो भी सारी चीज़ें हैं, तो बातें चलती रहती, फिर इबू को लेके जाते हैं, वो तो इन सब चीज़ों में ही टाइम गुजर जाता है। इबू का अब्बा आते फिर टाइम गुजर जाता है, इबू का अब्बा जब तक नहीं, मैं मतलब फ्री तो नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो चलता है। अब देखो घर का काम खत्म हुआ, खाना वाना खत्म हुआ, कोई बोमगिल जला रहा है, तो फिर बच्चे को सुलाई, बच्चे को खिलाई पिलाई सुलाई, अब बच्चे सो गए तो अब मैं वीडियो का काम करूँगा, वीडियो का काम हो गया, फिर बर्तन धो लो दोपहर का, फिर बच्चे को, फिर से बच्चे को खिलाओ पिलाओ, फिर अब खुद चाय पियो, फिर मतलब कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जिनको पता है कि मैं रात के 2-3 बजे फ्री होती हूँ, रात के 2-3 बजे के अलावा मैं फ्री नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं आपके घर में काम ही क्या होता है, जब मेरा घर आप आँखों से घूम के देखोगे ना, ऐसे वीडियो में अगर आप कोना कोना देखोगे ना, मेरे वीडियो में कोना कोना बारीकी से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे घर में मैं करती क्या हूँ। क्योंकि भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि लाली लिपस्टिक पोत के खुद को टिकटॉक कर दूँ, मेरे बच्चे टिकटॉक रहने चाहे वो फटा पहने, लेकिन टिकटॉक फटा तो खैर बहरहाल उन्होंने पहना नहीं है, पहनने नहीं देती हूँ मैं, वो अच्छे कपड़े फट जाए वो अलग बात होता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कबूर, गंदे कपड़े आज तक मैंने अपने बच्चों को नहीं पहनाए, ना बिस्तर में कभी भी आपको मेरी बिस्तर में सुसु की वास वगैरह जो भी है, क्योंकि मैंने इब्बू और गुनू दोनों को एक बार छोटे उम्र में से ही
जो है डायपर तो खैर फिलहाल मैं सिर्फ सोने के टाइम ही पहनाती हूँ, पूरा दिन पहनाती हूँ और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती जो खुली खुली बात है। तो उनको बाथरूम में ले लेके जाके सुसु करवाने की आदत डलवाई। तो वो क्या होता है ना, जब भी उनको सुसु आता है ना तो नाचने लग जाते हैं। इबू नाचने, गुनू तो अब तो बहुत बड़ी हो चुकी है, इबू नाचने लग जाता है तो समझ में आ जाता है कि सुसु आई है या पोटी आई है, तो भाई उसको बाथरूम लेके जाओ। तो घर में सुसु पोटी, सच बात बोलूँ घर में सुसु पोटी ये सब से ना, भले ही वो बच्चा है लेकिन दलिंदर ही आती है, वो सारी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत तो नहीं है, बट जो भी है उसको जाने देना नहीं है, उसको जो है ना वो करके रखना है। और एक घर में बरकत तभी आती है जब घर की औरत और घर दोनों साफ सुथरा रहता है। अब मर्दों को तो हम उतना कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हमसे जितना हो सकता है, मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद से जितना हो सकता है मैं अपने बच्चों को खुद को साफ रखने की कोशिश करती हूँ। और इसी चक्कर में मेरा काम भी बढ़ जाता है, थक भी जाती हूँ। इबू कबा बोलते हैं सो जाओ, कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्ट कर लो, तो बोलते घर में इतना बिखरा पड़ा हुआ है ना, जब अगर बिस्तर में भी गई ना तो मुझे नींद नहीं आने वाली, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली, मुझे अपना घर टिप टॉप चाहिए। भले ही मैं दो कमरे के घर में रहती हूँ लेकिन आप लोग अगर नज़र मारोगे ना तो मेरे घर में आप लोगों को कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ या गंदगी या धूल ये सब नहीं मिलेगा। हाँ ऊपर थोड़ा सा ना जाले हो गए, लेकिन वहाँ पे ना मैं इतनी टिंगी हूँ, घर का सीलिंग भी रखना उससे है ना कोई इबू कब्बा के अलावा मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत टिंगी हूँ। इबू कब्बा 6 फीट 1 इंच है और मैं 5 फीट 1 या 2 इंच हूँ, तो मैं झाड़ू लेके भी खाली रहती हूँ ना, कोशिश करती हूँ ना, और मैं मतलब मेन रूम की बात करी तो मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं, इबू कब्बा से करवाना पड़ता है, कर लो इबू कब्बा कर दो, क्योंकि पीछे लगना पड़ता है फिर जाके वो करते हैं, ऐसा है। तो आज तो ब्लॉग में कुछ ऐसा खास था भी नहीं, क्योंकि आज मैं खुद थकी हुई थी, तो आप लोगों को क्या ही एंटरटेन करती, क्योंकि मेरा नींद, आप लोग अगर मेरा आँखें देखोगे ना, मेरी आँखें देख रहे हो, मेरी आँखों में ना नींद इतनी रहती है लेकिन मुझे सोने का वक्त नहीं मिलता। मेरा बेटा माशाल्लाह ऐसा बेटा मिला है मुझे, बस उसकी एक पूछ की कमी है, बस एक पूछ की कमी है, बाकी तो उसमें जो गुण है ना वो बंदर वाला गुण है। उसमें रात के 2 बजे भी बोलता मैं नहीं सोऊंगा तो उसको रात के 2 बजे भी ठोक ठाक के उसको सुलाना पड़ता है, वो सोना तो चाहता ही नहीं। अगर उसको पैर पे लेके आप सुलाने की कोशिश करोगे ना, प्यास लगे पानी पीना, सुसु आई है, मैं बब्बा का बेटा हूँ बब्बा मुझे सुलाएंगे, उसका ये सब चलता रहता है, तो ज़बरदस्ती करके उसको दोपहर को बोलो रात को बोलो सुलाना पड़ता है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा हाइपर एक्टिव कह सकते हो शायद, आप क्या कहोगे पता नहीं, लेकिन वो हद से ज़्यादा एक्टिव बच्चा है। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा ना वैसे वैसे मेरी मेहनत बढ़ती जा रही है, मेहनत घर के कामों से मैं नहीं थकती हूँ, मेहनत पता क्या, ये जो सवेरे से लेकर शाम तक चिल्लाना जो पड़ता है ना, आजकल मेरा चिल्लाना जो आजकल मैं इस कदर चिल्लाती हूँ ना मेरे बेटे के पीछे, इस कदर मैं चिल्लाती हूँ ना कि कभी कभी मेरी आवाज़, तो हालांकि इबू कबा बोलते हैं कि घर की औरतों की आवाज़ घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, बरकत नहीं होती है, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, बरकत नहीं होती है, लेकिन आजकल मैं इस कदर मजबूर हो जाती हूँ चिल्लाने के लिए। मेरे बहनों को आप अच्छे से समझा लो, मत मारा अपनी बहन को, अभी मैं गुनू का बाल बना के दूँगी, अनम का बाल बना के दूँगी, आधा घंटा बस, आधा घंटा, उसके बाद वो खुद अपनी बहन का बाल वाल पकड़ के जो मारपीट शुरू हो जाती है, लगती भी है दोनों को, छोटे वाले को ज़्यादा, क्योंकि बड़ी वाली तो बड़ी है, उसको कहाँ अपना लगने वाला, मतलब मैं किचन से चिल्ला चिल्ला के थक जाती हूँ, इबू मैं आ रही इबू मैं आ रही, लेकिन इबू कहीं से भी नहीं सुनता, और फिर जाके उसको देना पड़ता, तब जाके थोड़ी देर के लिए शांत होता वापस उसका फोन चालू हो जाता। तो ये जो दिन भर का जो इनके पीछे जो चिल्लाना रहता है ना, खा ले रहे, सो ले रहे, नहा ले रहे, मत कर इबू मत कर इबू मैं आ रही हूँ, तो इसमें और दोनों के साथ सिर्फ इबू नहीं है, बड़ी वाली को भी गुनो अब तो देख ले, तो इससे क्या होता है ना, मेरी जो अंदर की जो एनर्जी है ना वो ख़त्म होती जा रही है। मेरे बच्चे अगर शांत होती है फिर मेरे बच्चों को देखने वाला कोई होता ना, मैं चुपचाप घर का काम करके मेरा मैं मस्त रहती, लेकिन घर के कामों में भी उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी बच्चों के पीछे लगती। एक बच्चा बड़ा करना अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरी माँ कैसे करती थी, अब ना मेरी माँ को मैं आसमान की तरफ देखती हूँ ना, तो मैं कभी कभी मैं आसमान की तरफ देख के बात करती हूँ यार कैसे कर लेती थी मेरी माँ, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो वर्किंग लेडी ना, शी वॉज ऑल्सो बिजनेस वूमेन, तो कपड़े की दुकान को संभाल के, घर को संभाल के, तो बच्चों को संभाल के एवरीथिंग मैनेज करना कैसे होता था, क्योंकि हम तो बाप से भी संभलते नहीं थे, हम बाप से ना डरते थे ना संभलते थे ना, हमारे जैसे कि मेरे हस्बैंड है, मतलब बाप से मैं तो मेरे बाप से मैं कभी डरती नहीं थी, मैं क्या भाई भी, तो हम डरते थे सिर्फ माँ से। तो आज मुझे समझ में आता है, मेरी बेटी भी माशाल्लाह से बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, ठंडी भी है, वो अपना अपना अकेला अकेला, अब वो ना एक्चुअली अब वो कैसी हो गई ना, इब्बू के साथ दिन भर खेलते 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 वो ना अभी रिजिड हो जाती है, वो खेलना भी नहीं चाहती इब्बू के साथ वो सच में बताऊँ वो ना जब उसके अब्बा आ जाते हैं ना, तो फिर वो अकेले बैठ के अपना जो मन मर्जी वाला, क्योंकि एक्चुअली क्या है दोनों के बीच में ना एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 6 साल का,
तो जो खेल उसको पसंद है इसको पसंद नहीं है, जो खेल इसको पसंद है उसको पसंद नहीं है। और रिब्बू को कैसे भागम दौरी वाला गेम्स चाहिए, मारपीट भागम दौरी वाला। और गुल्लू कैसे एक जगह में बैठ के वो खेलेगी, तो जैसे उसके अब्बा जाते हैं ना तो इब्बू तो उसके अब्बा के पास चला जाता है, तो गुल्लू एक जगह पे यहाँ पे बैठ के वो वहाँ पे मेन हॉल में भी नहीं बैठती, हॉल में इसलिए नहीं बैठती क्योंकि उसके हाथ में चुभी उसका भाई देख के छीन लेता वो कुछ भी। उसको ना क्राफ्ट्स पेंटिंग या फिर क्ले होता है ना, ये जो क्ले बच्चों का मैं यहाँ पे ऊपर उठा के रख दी मैंने इब्बू के डर से, तो ये क्ले से बनाने का उसको बड़ा शौक है। तो वो क्या करती है उसके जितने भी सामान लेते हैं वो यहाँ पे छुपाएगी फ्रिज के ऊपर, और यहाँ पे बैठ बैठ के ना चेयर पे बैठ बैठ के चुपचाप से ना खेलेगी वो, क्योंकि उसके अब बाद थोड़ा उसको भी टाइम मिल जाएगा ना, बेचारे को टाइम नहीं मिलता खुद के लिए खेलने का। अगर वो खेलना भी नहीं चाहते ना वो टीवी भी देखेगी, छोटा वाला उसको मार के तो खेल भी नहीं सकता। कल क्या हुआ उसने कुछ किया शायद छोटे वाले ने, तो उससे छोटे वाले ने कुछ किया, फिर छोटे वाले ने ना वो नाराज़ हो गए बात नहीं कर रहे थे, तो छोटे वाला आके इब्बू आके गुल्लू को बोल रहा भैया सॉरी ना, तो वो नहीं मानने दी उसको बाल पकड़ के फिर से मार बस तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ ना। फिर मैंने देख ली, मैंने बोला ये क्या तरीका है मार की सॉरी बोले, मार की सॉरी बोल मतलब एक्सेप्ट करवाने की, ये क्या तरीका है मतलब अगर वो सॉरी अगर वो बोल रहा है तुमने अगर माफ़ नहीं किया तब भी वो तुमको। और मेरी बेटी मार खाती है, वो चाहते एक रखते थे अपने भाई को लेकिन नहीं मारते, बोलते मैं मारती ना तो बोलते मम्मा भाई को लग जाएगा, मम्मा को बचाती है, वो मार खा भी लेते चिल्लाते भी मम्मा भाई देखो मार रहा है, हालांकि वो इतनी कैपेबल है कि अपने भाई को एक रख के दे सकती है, वो मार खाते हैं बेचारी बोलती आह आह मम्मा भाई मार रहा मम्मा मेरा भाई। मैं कभी कभी गुस्सा भी आता है इन दोनों के ऊपर, कभी कभी प्यार भी आता है, कभी कभी तरस भी आता है, तो मतलब कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लोगों को पता नहीं मेरे बारे में क्या लगता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक के रहम करम से कुल मिला के मेरी ज़िंदगी जैसी कटनी चाहिए थी ऐसे कोई दिक्कत पहले थी अब भी है लेकिन उस लेवल का नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। और ऐसी ज़िंदगी चल रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ, आप यकीन माने कि मुझे अपने चैनल के लिए जो मैं चाहती हूँ कि अच्छा ये वीडियो नहीं चला दूसरा वीडियो डालो, आजकल मुझे उसका भी वक्त नहीं मिल रहा है, मेरा ऐसा वाला सीन चल रहा है। बट क्या बोलूँ, यही मेरे घर की सच्चाई है, यही मेरे रिश्तों की सच्चाई है, यही मेरी फैमिली की सच्चाई है कि भाई कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। और मेरा अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को जो है बदनजर से बचाए, मैं तो ये और मैं चाहती हूँ अब यकीन माने मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में गलत ही सोचें, क्योंकि लोगों को अगर मैं सुखी दिख गई या फिर मेरा सुख या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं नैमित जो बोलते हैं वो अगर दिख गया लोग तो उस पर नज़र लग जाएगी, उसमें खलल आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो और मैं पता है मैं आजकल जो है ना मैं झाड़ झंझटों से दूर रहती हूँ, जिसको मेरे बारे में जो बोलना है बोले, जिसको मेरे बारे में जो तहमत लगाना लगा, जिसको जो सोचना है सोचते बैठे, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टाइम पे पड़ता था कुछ महीनों तक पहले तक पड़ता था, लेकिन अब नहीं पता क्योंकि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि अगर आप भी किसी को रिएक्शन दे रहे हो तो बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं हो कि आप हर किसी को पसंद आओ, इस दुनिया में एक ही चीज़ सबको पसंद आती है, एक ही चीज़ सबको पसंद आती है वो है पैसा, बाकी कोई भी चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आ सकता है, सिर्फ से नॉर्मल थिंग। इसके लिए आप अपने पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकते हो। मैंने हमेशा एक चीज़ बोला है कि आपकी कमज़ोरी और आपकी ताकत सिर्फ आप ही हो, आप चाहो तो आप खुद को हरा सकते हो और आप चाहो तो खुद को पत्थर बन के भी खड़ा हो सकते हो। नाजिया ने मेरे पीछे इतनी कोशिश कर ली मेरे मुंह बंद करवाने की, लेकिन अंत तक वो मुझे चुप नहीं करवा पाई, हालांकि उसने हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ भागना वहाँ भागना वकीलों के पास भागना पुलिस स्टेशन भागना, उसने हर कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो चीप गेम पे वो आ गई, व्लॉग में मुझे टॉन्ट मारी थी, उसको लगा कि भाई अब मैं व्लॉग में टॉन्ट मारूंगी, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, वो खुद को सेलिब्रिटी समझती है, सेलिब्रिटी नहीं तो शायद मैं चुप हो जाऊंगी, बट मैं अंत तक चुप नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा विल पावर है, जब तक मैं खुद से नहीं हार जाती ना कोई मुझे नहीं हरा सकता। फिर जब मैंने देखा कि व्यूज़ गिर गया और मुझे इनकी मानव शक्ल रोज़ रोज़ नहीं देखती, तब जाके मैंने टॉपिक चेंज करा, भले ही मेरे इस टॉपिक पे आज व्यूज़ नहीं आ रहे, कल ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो। सो और पता है और इसलिए बताऊँ तो मैं दोनों चैनल को ना अब हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे पास ना टाइमिंग की इतनी कमी हो जा रही है, मैं थक इतनी जा रही हूँ ना, मैं थक इसलिए नहीं रही क्योंकि मेरे पास घर का काम इतना सारा है, मैं थक इसलिए नहीं क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है ना और उसके पीछे मुझे बहुत मतलब जान लगानी पड़ रही है, बहुत जान, क्योंकि वो बहुत हाई, वो आप यकीन मानो कि अगर उसका शाम का, अगर आप लोगों को मेरे शाम का वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, शाम का मैं क्लिप सिर्फ उसका क्लिप दिखा दूँ ना
आप उसको 5 मिनट पर छोड़ो, 1 मिनट के लिए आप गिन के उंगली में गिन लेना, 1 मिनट के लिए उसको आप एक जगह पर बैठे हुए नहीं मिलेगा आपको, वो तभी मिलेगा जब थोड़ा सा उसको मोबाइल में रील दे दूँगी, अदरवाइज वो एक जगह पर बैठने वाला बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसकी वजह से ना मैं एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि भाई यू नो कि बच्चा मेरा सो जाता है, लंबे टाइम तक सो जाता है तो थोड़ा मुझे रेस्ट मिलता है, जब तक वो सोता है तब तक मैं वीडियो का काम करती हूँ, यूट्यूब का काम करती हूँ, क्योंकि दो पैसे कमाना भी ज़रूर है। तो फिर वीडियो का काम खत्म होता है आधे घंटे के अंदर ही, वो आधा घंटा भी नहीं जाता कभी कभी वो उड़ जाता है, तो रेस्ट कहाँ मिल रहा है भैया। तो एक इंसान तो थक ही गई ना, वही सारी चीज़ें मेरी लाइफ के साथ हो रहा है। तो चलिए, और एक चीज़ आप लोगों को ये पूछना था कि आपको किसके ऊपर रिएक्शन देखना पसंद है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर स्टडी करूँगी, उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको किसी को रिएक्शन वीडियो देखना है तो आप ज़रूर बताना। हाँ, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग भी नहीं कहूँगी मैं उसको, कहाँ ट्रेंडिंग चल रहा है, वो जो भी है आप लोगों को पता ही है, फराना सुरा वाला और दूसरों का भी झगड़ा चल रहा है, उस टॉपिक के ऊपर के अलावा अगर आपको कोई टॉपिक और है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो ज़रूर बताना यार, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ। तो वैसे तो आप लोगों का लाइक देख के मुझे बड़ी सुकून मिलती है, आपका कमेंट देख के बड़ी सुकून मिलती है, तो करते जाया कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाते जाया कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट देखते हो, लाइक देखते हो, तो मुझे भी थोड़ा और हिम्मत आता है कि नहीं अब करना है करना, किसी दिन सोचते ब्रेक ले लूँ फिर बोलते नहीं 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 अब करना है, लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।